फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा नेक डिजाइन कटिंग स्टिचिंग शेयर करने में बहुत ही इजी है, तो चलिए कटिंग स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके का फैब्रिक लिया जो कि इससे डिजाइनिंग बनेगी। यहाँ हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, अब हमें डिजाइनिंग बनाना है। तो यहाँ से हम ये कुर्ती का ये साइड लेंगे, पहले हम इसमें नाप लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की हमें साइज देखनी है, यानी कि लंबाई। तो नेक की लंबाई हमें 6 इंच चाहिए, तो यहाँ से 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच पे लगाना है ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये। अब यहाँ पे हमें कट का एक मार्क लगानी है ये, तो यहाँ पे हमें कट का मार्क लगा देंगे। उसके बाद अब हमें इसको ओपन करनी है ऐसे, ये देखिए। ओपन करने के बाद ये हमें यहाँ से सीधा लेना है ऐसे, ये सीधा लेना है, और इधर से हमें तिरछा लेना है जो कि डिज़ाइनिंग बनेगी। तो डिज़ाइनिंग हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ से कट जो हमने लगाया है, इसी कट को हमें इस तरीके से तिरछा में लेना है। तो आप इस तरीके से ऐसे लेते हुए इसको इससे मिलाएंगे। साइड नेक मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये नेक कटिंग स्टिचिंग। तो देखिए इस तरीके से हमने तिरछा बना लिया। अब हमें इसकी पट्टी कटिंग करनी है, तो यहाँ हमने पट्टी की फैब्रिक लिया है। अब इसी को रखते हुए पट्टी की कटिंग करनी है, तो इसको पहले हम इसके ऊपर डालेंगे। तो सही तरीके से इसके ऊपर डालते हैं ऐसे, ये। अब उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इसी शेप से, बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिया ये, अब इसकी शेप जैसे है वैसे लेना है, सेम टू सेम, ये देखिए ऐसे हमने ले लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें निकाल देनी है ऐसे, तो एक्स्ट्रा हमने निकाल लेनी है। ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट करनी है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा ऊपर को भी कट कर दिए। इसको अच्छे तरीके से हम मिला देंगे ताकि ये बड़ा छोटा ना हो। अब इधर से भी एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे ये। उसके बाद हमें 1-1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है, तो यहाँ से लेंगे ऐसे, ये पट्टी हमें 1 इंच ही चौड़ी चाहिए। अब यहाँ से लेना है ऐसे, जैसे हम सिंपल नेक बनाते हैं बस उसी तरह बनाना है। कोई भी हमें एक्स्ट्रा ऐड कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा डिजाइनिंग और लेस लगा देंगे। ये देखिए हमने ये कटिंग कर लिया। अब नेक को पट्टी को इस पर यह नेक लेंगे, नेक हमें पीछे के साइड से पट्टी को लगाना है क्योंकि आगे के साइड में पट्टी चाहिए। तो ये इसकी साइज आप बड़ी छोटी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप कितने साइज का बनाना चाहते हैं। अब ये ले लिए ऐसे, अब 1/2 इंच पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। बहुत ही इजी है ये नेक कटिंग स्टिचिंग, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको आ जाएगी। अब इसको सही तरीके से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये अब उसके बाद इसको हमें लेना है ऐसे, और इसको ये सिलाई हमने लगा दिया। अब इस पट्टी को आगे के साइड पलटना है, तो यहाँ से एक छोटा सा कट्स पहले लगाएंगे ऐसे, और छोटे छोटे कट्स हमें पूरे में लगानी है इस टाइप से। तो पूरे में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे कट्स हमने पूरे में लगा लिए। अब इसको आगे साइड पलटना है, तो इस वाले कुर्ती को हम ऐसे लेंगे, ये देखिए इधर ऐसे। उसके बाद इसको लेना है और ये पट्टी को हमें पलटते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ हमने ऐसे ले लिया और पूरा किनारे से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद ऐसे, इसी तरीके से सिलाई को चलाते जाना है। तो ये पट्टी हमने आगे के साइड पलटते हुए ये सिलाई लगा दिया है। अब इसमें हमें साइड साइड में जो भी लगाना है वो हम लगाएंगे कैसे, तो चलिए वो देखिए। लगाने के लिए ये वाला जो हमने फैब्रिक लिया हुआ है, ये फैब्रिक इसको हमें ऐसे करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से और ऐसे लेते हुए उसमें हमें डालते हुए सिलाई लगाना है, तो चलिए वो लगाते हैं। जैसे हमने इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, अब पहले ये वाले नेक पे इधर साइड नहीं हमें तिरछा वाले डिज़ाइन में डालना है। तो
तो इसको हम इसी तरीके से इधर वाले सिलाई को लगाएंगे। तो इसको लगा देते हैं, इसके ऊपर हमें लेस भी डालना है इस तरीके से। अब तिरछा वाला जिधर घुमाएंगे उसमें हम डालते जाएंगे। तो देखिए अब इधर हमने तिरछा वाला घुमा लिया है ऐसे। अब इसको हमें इसके अंदर डालते जाना है, यहाँ से शुरू करना है जहाँ से हम इसको घुमाते हैं ऐसे। डेढ़ इंच पे हमें लगाना है, डेढ़ से दो इंच पे आप लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पे लगाना पसंद करते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें डालेंगे, इस टाइप से हम इसमें डालते जा रहे हैं। पांच छह हमें इसमें डाल देनी है डेढ़ डेढ़ इंच के डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से हमने ले लिया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से डालते जाएंगे, ये देखिए। तो ये वाला डिजाइनिंग तो हमने डाल दिया, अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे वो देखिए, इसके चाहे तो आप साइड कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। तो मुझे बीच में ही लगानी है क्योंकि बीच में ज़्यादा ट्रेंडिंग डिज़ाइन लगेगी। तो इस तरीके से हमने लेस ले लिया और बीचों बीच हमें लेस डालना है, ये देखिए ऐसे। ये उसके बाद फिर इधर साइड हम घुमा देंगे लेस को, इसी टाइप से लगाते जाना है। बीचों बीच हमें डालना है, ये थोड़ा सा मोटा लेस है, ये देखिए। तो ये हमने डाल के नेक कर लिया रेडी इस टाइप से। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग लगेगी। तो फ्रेंड देखिए ये नेक की कटिंग स्टिचिंग फाइनल हो गई, कितना प्यारा ये लग रहा है। अभी बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा आप कुछ सिंपल में ही लुक दे सकते हैं, तो इस टाइप का आप नेक बनाइए। तो फ्रेंड्स आज की ये नेक डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग पसंद आई हो तो कीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कॉमेंट, मैं सब साइड से इसकी व्यू दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि सिंपल भी है और खूबसूरत भी है। इस टाइप से आप खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मिल रही हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।